बंदा। सेलिन क्या हुआ तुम्हें? दिखाओ कहाँ चोट लगी। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। सेलिन मुझे देख लेने दो, देख लेने दो, आखिर हुआ क्या है? ज्यादा खतरे की बात ना, छोड़ो मुझे। एक मिनट देख लेने दो। सेलिन पुरसुकून हो जाओ तुम, ऐसा क्यों किया? ज्यादा गहरी चोट नहीं है, ठीक हो जाएगा, छोड़ो मुझे। सेलिन मुझे सिर्फ एक बार देख लेने दो कि सब ठीक है या नहीं। छोड़ो मुझे, छोड़ो बच्चों, कुछ नहीं हुआ मुझे। एक बार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे चेक कर लेने दो। देखो ये ऐसे खुद से ठीक नहीं हो सकता। दमीर, दमीर अपना हाथ हटाओ मुझसे। सेलिन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें दर्द नहीं होने दूंगा। सेलिन, सेलिन तुम ठीक तो हो ना? मैं समझ सकता हूँ थोड़ा दर्द होगा इस वक्त में। मेरा ख्याल है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। दमीर, हॉस्पिटल ही जाना है मुझे। चीची, देखो मेरे साथ क्या हुआ। देखो ये बहुत ही पावरफुल पेन किलर है, देख लो कहीं तुम्हें इससे एलर्जी तो नहीं हो जाएगी। सेलिन, तुम अपने आप को सिर्फ मुसीबत में डाल रही हो। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। और अभी तक तुमने खाना भी नहीं खाया है, पहले तुम कुछ खा लो। बगैर खाए इस तरह की दवा नहीं ले सकती। तुम्हारी वजह से अभी तक भूखी हूँ मैं, और जो छत से गिरी ना मैं, वो भी तुम्हारी बदौलत। मेरा शोल्डर स्लिप हो गया, वो भी तुम्हारी वजह से। और अब एक मर्डर होने जा रहा है, वो भी तुम्हारी वजह से। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। सेलिन, ये तुम क्या कर रही हो? इतनी सारी गोलियां एक साथ कैसे खा ली? इससे बहुत नुकसान हो सकता है। सेलिन आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या अजीब पागल लड़की है। कल रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। अब क्या बताऊं तुम्हें, नींद आने का इंतजार करते करते सुबह हो गई। बाबा मेरे ख्वाब में आए थे और वो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। सच में मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। हाँ सही कहा, वो तो नजर आ रहा है मुझे। उनके हाथ में जो कुछ आ रहा था वो मुझ पर फेंक रहे थे। जब मैं बाईं तरफ झुकी तो लेबर लॉ की बुक से बची, और जब मैं दाईं तरफ झुकी तो इकोनॉमिक्स की बुक पास हुई। और इस तरह से करते करते मैंने अपने आप को कितनी मोटी किताबों से बचाया। अरे लैला, तुम ख्वाब में भी किताबों को ही देखती रहती हो। काश कोई तरीका देख लेती जिससे हम लोग बच जाते। हाँ देखा, तुम सही कह रही हो, बिल्कुल मैंने ऐसे ही देखा। बताओ क्या देखा तुमने? तुमने ये देखा कि हमारे घर के नीचे से सोने के सिक्कों से भरे बर्तन निकले? नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ही है। हाँ, ये देखो ये नोटबुक। अब ये क्या है? ये हमारे बाबा के टेलीफोन की डायरेक्टरी है, और इसमें उनके तमाम दोस्तों के फोन नंबर मौजूद हैं। हम बाबा के दोस्तों से फोन करके उनसे मदद मांग सकते हैं। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। हमारे बाबा 20 साल पहले दुनिया से जा चुके हैं, उनका कोई भी दोस्त जिंदा नहीं है। क्या कब्रिस्तान जाके बात करोगी उनसे? तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते कि उनके बच्चों से मदद मांगते हैं? चुपचाप बैठ के अपनी चाय पियो, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चली है मदद मांगने के लिए। कैसी बदबू आ रही है। मेरे सारे कपड़े पेपरमिंट और मेंथोल जैसे स्मेल कर रहे हैं। कंधा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कल रात मैंने उस पर दवा लगा दी थी। अच्छा, क्या जब मैं सो रही थी उस वक्त तुमने ये सब किया, फायदा उठाया तुमने? अजीब बातें मत करो सेलिन, दवा लगाकर भला किया है मैंने तुम्हारा, और ये सब कुछ वैसे भी तुम्हारे सामने हुआ है, तुम होश में थी। चलो अब एक काम करो, तुम्हारे लिए ये सूप रखा है, इसे पी लो जल्दी। मसला क्या है तुम्हारा? पहले तुमने मुझे फेंक कर कमरे में लॉक कर दिया, उसके बाद तुमने मरहम पट्टी भी की मेरी, अब क्या करने का इरादा है तुम्हारा? सेलिन सूप ठंडा हो रहा है और ये मुझे बहुत। अच्छा तो तुम्हें सूप ठंडा होने की पड़ी है, कहीं पागल वागल तो नहीं हो तुम? अच्छा सच में, कल तो तुमने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। अब इसका क्या मतलब? सेलिन, सेलिन, उठो, होश में हो। सेलिन, उठ भी जाओ। पीटर। कौन? कितना इंतजार किया। तुम्हें क्या हो गया है सेलिन? ये बताओ अभी तबीयत कैसी है तुम्हारी? तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ पीटर पैन। ये कौन है पीटर पैन? मैं दमीर हूँ। हे।
तुम अपना नाम बताओ जरा। वेंडी। जस्ट किडिंग, सलीन है मेरा नाम। अपनी आंखें खोलो जरा, दिखाओ मुझे। सलीन, ये क्या है सब? मेरे हाथ को फॉलो करने की कोशिश करो, क्या तुम ठीक हो? तुम पहले से बेहतर लग रही हो, फिर भी हॉस्पिटल तो चलना ही होगा। नहीं नहीं, हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, क्यों ना हम दोनों घर पर ही रहें। पीटर पैन, ज्यादा गोलियों का असर है। देखो, मैंने पहले भी कहा था, साफ अल्फाज में बताया था, लेकिन तुम्हें तो अपनी चलानी होती है। तुम मेरी बात नहीं समझती, अब दर्द ठीक करना है या नहीं? मेरा शोल्डर बहुत पेन कर रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, और वैसे भी पीटर पैन का तुमसे क्या लेना देना, ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा मैंने। इसके अलावा और भी है सलीन। और क्या कर दिया मैंने? तुम्हें याद है ना, हम कैप्टन हुक से बचे थे, याद है ना तुम्हें? बोलो ना, हिलना बंद करो। तुमने तलवार निकाली थी और सलीन, रुक जाओ। तुमने अपनी तलवार निकाली थी और चिल्लाए थे, कैप्टन हुक मेरे साथ लड़ाई करो। सलीन, क्या तुम सीधी बैठ सकती हो? और उसके बाद हमने सुबह तक डांस किया था, याद है ना तुम्हें? ओह, तुम्हारे बाल कितने मुलायम है ना पीटर। ठीक है, लेकिन अपना हाथ इतना मत हिलाओ। फिर हुक को पता चल गया था कि हम कहाँ हैं, और फिर हम वहाँ से भाग गए थे। पर मैं भागने वालों में से नहीं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। क्या वाकई ऐसा हुआ है? वैसे तो वो एक आम पेन किलर है, लेकिन इतनी ज्यादा मिकदार में लेने से ऐसा असर हो सकता है जो कि बहुत खतरनाक है। नहीं, मैं नहीं मान सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी अगर मैंने तुम्हारे साथ किया होता तो तुम कब के भाग चुके होते। ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुमने मुझसे झूठ बोला है। ठीक है, सूप पी लो तुम। सुबह सुबह सूप कौन पीता है, टोस्ट होता तो मजा आता। ओह, ये तो बहुत गर्म है। थोड़ा नमक तो डालते इसमें। दमीर, ये दरवाजा, वाओ, इतनी आवाज होती रही और मैं सोती रही यहाँ। इसने ये सूप कितना बेकार बनाया है। लीमू मत डालना इसमें। हाँ, हैरी अंकल याद है तुम्हें? और मुझे याद है उनका एक बेटा था जो तुम्हें बहुत पसंद करता था, क्या तुम्हें याद है? ये बताओ, कौन मुझे पसंद नहीं करता था? जिसको देखो वो मेरे ही पीछे पड़ा रहता था। अब मुझे क्या पता वो कौन था, मुझे क्या पता वो कैसा दिखता होगा, मुझे कुछ याद नहीं। पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। आखिर तुम कैसे भूल सकती हो उसे? कितनी बार तो वो अपने बाप के साथ हमारे घर आया था, और तुम उसे भूल गई? क्या नाम था उसका, वो सरमद? सरमद? हाँ, देखा, याद है ना? अरे, ये मुझे इसलिए याद है कि वो मेरी आंटी का नाम था, और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह मग़फ़रत करे उनकी। अब तुम ऐसा करो कि उसे कॉल करो और हमारी सिचुएशन के बारे में बताओ उसे, देखते हैं वो इस बारे में क्या कहता है। हाँ, पता नहीं वो मदद करेगा या किस नहीं? तरह की मदद? हो सकता है कि वो हमें कुछ पैसे उधार दे दे, वो पैसे हम सलीन और दमीर को दे देंगे ताकि वो कोर्ट में न जाए, और इस तरह से हम दोनों जेल जाने से भी बच जाएंगे। कुछ समझ आया? इसके अलावा हमारे पास कोई चारा है, जरा बताओ मुझे। ये तो ठीक कहा तुमने, लेकिन मैंने काफी सालों से सरमद को देखा नहीं। पहले उससे मुझे फेस टू फेस बात करनी पड़ेगी, उससे भी तो पता चले कि उसने किसे मिस किया है।
उसे अपने घुटने टेक कर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। मुझे लगता है कि शायद वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ न करे। अभी तुम मुझे नहीं जानती हो लैला। लेकिन वो हमें मिलेगा कैसे? हम उसका नंबर कहाँ से ढूंढेंगे? इतना मुश्किल नहीं है, अगर हम कोशिश करेंगे तो मिल जाएगा। हाँ, देखते क्या हम हैरी के बेटे सरमत को नहीं ढूंढ सकते? इतना मुश्किल है क्या ये? माफी चाहती हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि तुम यहाँ पे हो। सेलिन, अब ये क्या तरीका है? गलती तो तुम्हारी है ना, मेरी नहीं। दरवाजा बंद करके रखते ना, और तुमने मुझे बताया भी नहीं था तो मुझे कैसे पता चलता तुम अंदर हो? और वैसे भी मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने का कोई शौक भी नहीं है। खुद को हीरो समझना बंद कर दोगे तो अच्छा होगा मेरे ख्याल से। ओह अच्छा, तो जिस तरह तुम मुझे देख रही हो वो कुछ नहीं है, खुद देखो कैसे देख रही हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें देखने का। अब जबकि तुम मेरे सामने हो तो आंखें तो बंद नहीं कर सकती ना मैं। वैसे दिखने में इतने बुरे नहीं हो तुम। शुक्रिया तुम्हारा, अच्छा लगा। हाँ एक बात और बता दूं, आजकल की जो लड़कियां हैं ना बहुत तेज हैं। तुम लड़कों से ज्यादा दिमाग चलता है। जिम जाना, ये चीजें हमें इम्प्रेस नहीं करती। अब मुझे बाहर जाने दोगी? दमीर, अब कुछ कहा? तुम तो जानते हो मेरे शोल्डर में कितना दर्द है। जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? बुराक, बहुत जरूरी बात है जो तुमसे करनी है, आ जाओ, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? तुम क्या कर रही हो यहाँ? काम पे जाने की तैयारी। एक बात बताऊं, मेरा बॉस जो है ना वो बहुत खड़ूस है, देर से जाने पर पता नहीं क्या करेगा। ये साइकिल नहीं चला सकती तुम, कंधे में दर्द है तुम्हारे। चलो आओ मेरे साथ, और कपड़े जरा ऑफिस के लिहाज से पहनो। ये ना बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस है, डिस्काउंट के बावजूद भी बहुत महंगी मिली थी। वैसे तुम क्या जानो फैशन के बारे में? और सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे बॉस हो तो मैं तुम्हारे हिसाब से कपड़े नहीं पहनने वाली, तुम्हारे ख्वाबों में भी नहीं। एक जैकेट ले लो तुम, जैकेट ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, बाय बाय मेरी जान। मैं लेट तो नहीं हुआ ना? नहीं, सही वक्त पर आए हो। आओ बैठो, इधर आ जाओ। ये सब क्या हो रहा है? हम यहाँ जमा क्यों हुए? इस ऑपरेशन चीता का टॉप सीक्रेट खोलने जा रही हूँ यहाँ, तो तैयार हो? सेलिन कहाँ है? वो तो दमीर साहब के साथ मीटिंग के लिए गई है। ऑपरेशन चीता किसी के लिए भी नहीं रुक सकता। हाँ तो क्या करने वाले हैं? चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हमें दमीर को यहाँ से निकालना होगा। हड़ताल करते हैं। हम ही हैं जो कंपनी को बैंकक्रप्ट होने से बचा रहे हैं, क्यों फारूक? क्यों ना हम उसके प्रोजेक्ट को बर्बाद करते हैं, फिर वो अपने आप ही चला जाएगा। इस तरह तो वो नए एम्प्लॉय रखेगा और हमें निकाल देगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। उसे एलर्जिक कर देंगे, हम उसकी बॉटल में डिटर्जेंट डाल देंगे, उसके खाने में कुछ मिला देंगे, काम खत्म। तो बताओ फिर क्या करेंगे? ऐसा क्यों ना करें कि उसको एक बहुत ही हैवी क्लाइंट दे दें हम? इरम, बहुत ही डेंजरस है, टेस्टलेस, शदीद गुस्से वाली, यही बेहतर रहेगा। बहुत ही खतरनाक, मेरे ख्याल से इससे बेहतर आइडिया कोई नहीं हो सकता उसे यहाँ से निकालने का। इरम साहब की बात हो रही है, उनके काम करने का तरीका अलग है, सही सोचा है तुम लोगों ने। यास्मीन, एक टिकट बनवा लो और टर्किश डिलाइट के साथ हमें उसे भिजवाना है जापान। इंशाल्लाह वो चला जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हार मानेगा। इरम साहिबा अपने चार शोहर मार चुकी हैं, वो किसी इंटीरियर डिजाइनर पर रहम नहीं करती। कैसे कैसे खतरनाक लोग दुनिया में मौजूद है। मेरे ख्याल में तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए, पहले तुम्हें सीखना है। सही कह रहे हैं आप, माफी चाहता हूँ। ठीक है, मैं इरम साहिबा के साथ एक मीटिंग अरेंज करती हूँ।
यास्मीन रुको जरा, मुझे बात करनी है तुमसे। ऑपरेशन चीता के बारे में बताओ। ऑपरेशन चीता का सीक्रेट बॉक्स है ये, इसके अंदर एक सीक्रेट वेपन है। क्या वाकई में? ऐसा क्या है इसमें? तुम भी ना आया था। मैं टेरेस पर हूँ, 2 मिनट के लिए आ जाओ, जरूरी बात करनी है। दमीर थोड़ा ऐसे चलाओ ना। बिल्कुल नहीं। चाइल्ड सेफ्टी लॉक, सच में तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती। मैं क्या कर सकता हूँ, किसी बच्चे से कम हो तुम, एक जगह सुकून से बैठी नहीं सकती हो। दमीर मुझे बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज। तुम्हारे कंधे के लिए ये हवा नुकसानदेह है, अगर हवा लगी तो तुम रात भर तकलीफ में रहोगी, और मैं रोजाना तुम्हें इस तरह दवा नहीं लगा सकता। खुदा का वास्ता है खिड़की खोल दो, बहुत गर्मी हो रही है। मैं आज घर पे नहीं आऊंगी, अपनी फ्रेंड की तरफ रह लूंगी, प्लीज शीशा नीचे कर दो। वाकई में शदीद गर्मी हो रही है, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगी और तुम कातिल बन जाओगे। क्या हुआ? चलो नीचे उतरो। क्या है? जल्दी आओ मैंने कहा। बाहर आओ। देखो तमीर, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये डॉक्टर को तय करने दो, चलो जरा संभाल के। ऑफिस के लिए देर हो जाएगी दमीर। चलो चलो जल्दी चलो। ऐसा मत करो ना मर्व, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। देखो अगर ऑपरेशन चीता कामयाब हो गया तो दमीर साहब हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे, अलग होने की क्या जरूरत है? हमारे अलग होने का सबब सिर्फ दमीर नहीं है, सुन लिया? दमीर साहब के फजूल रूल्स की वजह से ही तो हम अलग हुए हैं, लेकिन हम लोगों को उनके रूल्स के हिसाब से चलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मास्टर की बात सुन ली ना तुमने, दमीर को तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, हमें इसलिए जरा सब्र से काम लेना होगा, और इसके अलावा हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम अब भी साथ हैं। तो रूल्स की खिलाफ फर्जी? क्या हम स्कूल के बच्चे हैं? डायरेक्टर के साथ खेल रहे हैं हम लोग। लेकिन वो तो आरजी तौर पर है ना, हमारी कंपनी में उनका रहना मुमकिन नहीं है, वो यहाँ के कस्टमर्स बर्दाश्त नहीं कर सकते, जाना ही पड़ेगा उन्हें, तो हम क्यों अलग हो? देखो कोई मसला नहीं होगा, यकीन करो मेरा। लेकिन ऐसा करते हुए थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? बात सुनो, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था उसी दिन अपना दिल हार बैठा था मैं। जरा गौर से सोचो, क्या तुम्हारे लिए मेरी और मेरे प्यार की कोई अहमियत नहीं है? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ बोरो, इस सब में मुझे मत घसीटो। मना भी तो नहीं किया इसने, बस यही काफी है मेरे लिए। जबरदस्त, इसमें तो कोई मसला नहीं लग रहा है, अपने कंधे को थोड़ा रेस्ट दे दो। नर्स, क्या आप सलीन साहिबा को एक इंजेक्शन दे देंगे? क्या कहा डॉक्टर, इंजेक्शन? इसकी क्या जरूरत है, कल रात मेडिसिन खा ली थी मैंने, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इंजेक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं, काफी देर हो रही है, चलो उठो दमी। सलीन, वो कल रात थी, ये अलग है, डॉक्टर की बात सुनो। सुन तो लिया इन्हें, डॉक्टर ने ही तो बोला है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे वाकई में दर्द नहीं हो रहा, देखे मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। हाँ, लेकिन अगर हमने आपको अभी इंजेक्शन नहीं दिया तो आप रात को रोते हुए आएंगी। जी डॉक्टर, मैं जानता हूँ, आप सही कह रहे हैं, इसे जल्दी ठीक कीजिए। डॉक्टर, दर्द नहीं होता मुझे, चाहे मेरा हाथ भी कट जाता ना तब भी दर्द ना होता, रोना तो दूर की बात है, आंसू भी नहीं निकलता मेरा, मैं तो बचपन में भी कभी नहीं रोई, इंजेक्शन की जरूरत नहीं है मुझे। अजीब बातें मत करो सलीन, साफ कहो तुम इंजेक्शन से डर लग रहा है। मैं नहीं डरती, स्कूल में जब वैक्सीनेशन की लाइन लगती थी ना, मैं सबसे आगे खड़ी होती थी, सबसे आगे, सब कहते थे कितनी भागो लड़की वाले को, तो हम सबसे पहले इंजेक्शन लगाते हैं। हम्म,
सलीम ये क्या कर रही हो? सलीम ये क्या कर रही हो? क्या मस्करा हरकत है? रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, डॉक्टर जो कह रहे हैं उन्हें करने दो प्लीज, मेरी बात सुनो, ठीक होना या नहीं? लो बस हो गया, हाँ हो गया, सच में लगा दिया? हाँ बिल्कुल, अब चलो मेरे साथ पुरसुकून हो जाओ, तुमने बहुत तमाशा कर लिया। सलीम साहब, ये आपके लिए। अब खामोश क्यों हूँ, बोलो ना। क्या? जो भी तुम बड़बड़ा रहे हो ना वो मैं समझ जाती हूँ। जब भी तुम कुछ छुपाने की कोशिश करते हो ना मुझे सब समझ में आ जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दमीर तुम भी ना, तुम और तुम्हारी ये फजूल बातें। जानती हूँ तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वैसे ये बताओ कि तुम जो चिल्ला रही थी कि मैं मर जाऊंगी, मेरी जान बचाओ, इसका क्या मतलब था? उस वक्त तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, बस बोलती ही चली गई मैं। चलो मान लो अगर तुम्हें कोई बचाने आ भी जाता तो वो सबसे पहले किसको बचाता, मुझे तुम्हें या फिर वो खुद डर के भाग जाता? मुझे और किसे? खुश हो जाओ, कम से कम तुम्हें ये कैंडी तो मिल गई। हंसने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने खुद ही दी थी, मैंने कब मांगी थी उनसे। बेहतर यही होगा कि तुम कुछ मत बोलो, इसे खाओ। अब यहाँ क्यों रुक गए? ऑफिस के करीब हैं हम। हाँ तो अपनी दवा ले आओ वहां से। ओह ये तो बंद है, चलो तुम दवा लेके टैक्सी से आ जाना। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम इसलिए कह रहे हो कि ऑफिस में से कोई हमें देख ना ले साथ? क्या हुआ, इतना घबराने की क्या जरूरत है? वो सब जानते हैं कि हम दोनों एक साथ मीटिंग के लिए गए थे। सलीम मुझे अकेले नहीं जाना। गुड आफ्टरनून दमीर साहब। क्या तुम मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी ला सकती हो? एक मिनट रुके, मैं अभी लाती हूँ। और तुमने एंट्री टाइम नोट किए सबके? जी बिल्कुल कर लिया, जैसा आपने कहा था सब 20 मिनट पहले आए। जबरदस्त। हाँ सिवाय मिस सेलीन के, क्योंकि वो तो आपके साथ मीटिंग में गई थी। लेकिन वो है कहाँ? मैंने काम से भेजा है, आ जाएगी थोड़ी देर में। अब एक काम करो, तुम सब लोगों को 5 मिनट में मीटिंग रूम में बुलाओ। अभी बुलाती हूँ। सेलीन तुम्हें क्या हुआ, क्या कोई पीछे लगा है तुम्हारे? देखो बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन अभी नहीं बता सकती, अभी बहुत सारा काम करना है ना सर। अब हम ऑफिस में है ना तो ऑफिस की ही बातें होंगी। सेलीन तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, जल्दी से तैयार होकर मीटिंग के लिए आ जाओ। ओके जैसा आप कहें दमीर साहब। तुम लोग यहाँ? ऑपरेशन चीता सेलीन ये उसी का हिस्सा है। मैं तंग आ गई हूँ उससे, प्लीज इस मिशन को जल्दी शुरू कर लो तुम लोग, कब जान छूटेगी उस पागल इंसान से हम सब की। हमें कुछ भी करके उसे यहाँ से निकालना ही होगा, समझ रही हो ना मेरी बात? बात सुनो मेरी, समझो वो निकल गया, इरम को दमीर के सर पे बिठाने वाले हैं हम लोग। ऑक्टोपस दमीर, जबरदस्त। बिल्कुल ऐसा ही है, अब बाकी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसे दमीर से छुपाकर तुम्हें अपने घर लेके जाना है, ठीक है? अब इसमें क्या है? स्पाइसी परफ्यूम जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ये ब्रेसलेट्स जिसकी आवाज से वो बिल्कुल परेशान हो जाएगा। ये रही सारी रोमांटिक मूवीज, और इसमें हिप हॉप सॉन्ग्स हैं, और ये है हमारा आखिरी हथियार, रोमांटिक नॉवल, ये लो। और ये हिप्नोटाइजिंग इयररिंग्स, इन्हें देखकर अंधी हो जाऊंगी मैं। ठीक है इस सब को तुम अपने पास रखो और पूरे फोकस के साथ शिकार पर ध्यान दो। बस तुम लोग देखते जाओ, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी, तुम लोग देखना याद रखेगा।
अरे नहीं, रुको रुको रुको, रुक जाओ। ये क्या किया सेलीन? हाँ, इस स्प्रे को घर पे इस्तेमाल करना था, तुमने यहाँ कर दिया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये, मुझे तो उल्टी आ रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। चलो चलो, इससे पहले कि बेहोश हो जाए। पहले क्यों नहीं बताया मुझे, ये क्या कर दिया मैंने, आंखें जल रही हैं। क्या सब लोग आ चुके हैं यहाँ? कोई बाकी तो नहीं रह गया? साथ वाली सीट पे हो जाओ ना। हाँ ठीक है। क्या सब लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं? चलिए फिर शुरू करते हैं। हमें हर काम को बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, वन बाय वन। आप लोग समझ गए? God bless you. Thank you. आप सबकी वीकली परफॉर्मेंस देखी जाएगी और ये काम हम इसी हफ्ते से शुरू करेंगे, समझ गए सब? God bless you, फारूक। फारूक तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। तो ठीक है बुराक, तुमसे शुरू करते हैं। सॉरी, वो मुझे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम से एलर्जिक है, माफ कीजिएगा, स्पेशली गर्ल्स परफ्यूम से। जी, एक हमारा पुराना क्लाइंट है जो अभी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सेलीन जानती है कि उसी क्लाइंट का एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट हमारे पास है। हाँ, उस पर अभी काम चल रहा है। लगता है तुम्हें जाना चाहिए। और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। वर्फ, तुम उनसे बात करो और मॉल के स्टॉल्स की डेकोरेशन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और अहमद तुम? और अहमद और मैं पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ जाना चाहिए इसे। फारूक, जाओ जाके मुंह धोकर आओ। माफ कीजिएगा सर, मुझे एलर्जी, मैं खुद भी थक चुका हूँ, माफ कीजिएगा। तुम यहां से चले जाओ। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अपना काम अच्छी तरीके से पता है। अच्छा तो बुराक, इस काम की सारी रिपोर्ट तुम रखोगे? बिल्कुल ठीक। माफी चाहती हूँ, लेकिन इरम साहब आई हुई हैं और वो फौरी तौर पर बुराक साहब से मिलना चाहती हैं। क्या कहा इरम साहब? हाँ हाँ। ये एक बहुत ही अच्छी क्लाइंट है और ये हर साल ही हमसे अपना घर डेकोरेट करवाती है और हमारे डायरेक्टर से मिलना चाहती है, यानी तुम उनसे मिल लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? ठीक है, आप उन्हें मेरे रूम में बिठाइए, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है सर, बिठाती हूँ मैं उन्हें। सेलीन, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? क्या बात है बुर्रा, क्या फंसाया है तुमने उन्हें? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, लेकिन दमीर को जरूर लग पता जाएगा, देखते कब तक सहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, दमीर साहब अब यहाँ के बॉस हैं। बात सुनो यास्मीन, चाहे यहाँ का बॉस कोई भी हो, मुझे इससे क्या? बुराक के साथ मेरा कुछ खास ही रिश्ता बन गया है। बुराक बाखूबी समझता है कि मुझे क्या चाहिए। जी वो तो ठीक है, मगर हेलो, खुश आमदीद, मेरा नाम दमीर है, मुझे इरम कहते हैं। खुशी हुई मिलकर। चलिए ना, बैठ के बात करते हैं। Why not? यास्मीन, हमारे लिए कॉफी ले आना। अभी लाई। मैं कॉफी कैसी पीती हूँ, आपने पूछा ही नहीं। आप हमारी बहुत पुरानी क्लाइंट हैं, कैसी कॉफी पसंद करती हैं आप हम सब जानते हैं। हेलो, खुशामदीद, कैसी हैं आप? शुक्रिया सेलीन, ठीक हूँ मैं। कितना बुरा परफ्यूम है सेलीन, क्या हम एसी ऑन कर सकते हैं प्लीज? जरूर। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं।
उम्मीद करती हूँ हमारा प्लान काम करे। जरूर काम करेगा। इरम साहिबा उनसे जरूर कुछ ऐसा करने का कहेंगी जो वो कर ही नहीं पाएंगे। हमारे नए बॉस अभी इरम को जानते नहीं है क्योंकि उसकी डिमांड्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो बहुत मुश्किल होने वाला है उनके लिए। यानी कि एक हसीन मुसीबत उनके गले पड़ने वाली है। फारूक, हमारी एक अहम मीटिंग है तो हमें चलना चाहिए। मेरा दिल नहीं कर रहा। चलो फारूक। दमीर साहब, मैं इस कंपनी के साथ काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन सच कहूँ तो आज तक एक भी काम मेरे मुताबिक नहीं हुआ। हमने बिल्कुल वैसा ही करने की कोशिश की है जैसा आप चाहते थे। मिसाल के तौर पर मुझे अपने हॉल में एक शीशे की दीवार चाहिए थी, मगर क्या आपने वो बनवाई? हमने बनवाई। मुझे दूसरी वाली दीवार चाहिए थी, जो बनाई वो नहीं। दमीर साहब, हमने इन्हें बताया था कि जगह कम है, नहीं बन सकती। आप मुझे बताइए। मुझे इनोवेशन चाहिए, ऐसा डिजाइन होना चाहिए जो पहली दफा देख के ही लोग दंग हो जाए। अच्छी बात है, तो आपने भी इस बारे में कुछ तो सोचा होगा। अब मैं आपको कैसे समझाऊं? मिसाल के तौर पर आपकी टीम ने मुझे ब्लू बेस्ड डिजाइन ऑफर किया था, लेकिन मुझे एक ज्यादा पैशनेट इंटीरियर चाहिए। क्या हुआ, क्या कुछ मसला है? नहीं तो, रंगों की पसंद का सही होना बहुत जरूरी है, और इसमें आपकी पसंद का ख्याल रखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। लैंप्स और फायरप्लेस की लाइट जब उस कलर पर पड़ेगी तो उसकी असल खूबसूरती तभी नजर आएगी। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। मगर कोई फायरप्लेस नहीं है मेरे पास। ओह, तो फिर ठीक है। सलीन साहिबा, आप ये तमाम तफसीलात लिख लीजिए अपने पास। और उस शीशे की दीवार के लिए ऐसा करेंगे कि जिससे उस दीवार पे ये रोशनी पड़े जहां आपके घर में शीशा लगा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? एक मिनट, आपके कहने का मतलब है कि घर में फायरप्लेस लगा देंगे? आपका घर है, आपका जो दिल करे। मुझे गोल्डन कलर के वॉल्स चाहिए। इसके अलावा हॉल में जैसा मैंने कहा कि एक शीशे की दीवार चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं कि आपको गोल्डन दीवार पर एक गोल्डन सा फ्रेम चाहिए। ऐसा ही है सेलिन, कोई मसला है? मुझे लगता है कि ये कलर बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा और आंखों को चुभने लगेगा। मैं ये कलर्स हमेशा मैगजीन में देखती हूँ, अच्छे लगते हैं, मुझे बस वही चाहिए। ठीक है सलीन, ये भी लिख लो, हमें ये हॉल के लिए चाहिए होगा और एक आपके घर की एंट्रेंस के लिए, ठीक है? लेकिन हाँ दमीर साहब, आप शीशे की दीवार को बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस बारे में आपकी राय भी जरूर सुनना चाहूंगी। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस शीशे को बेडरूम की छत पे लगाता। हाँ। बेड के बिल्कुल ऊपर। अच्छा, ऐसा मुमकिन है क्या? ठीक है, जैसा आप चाहें। एक शीशा ऊपर भी नीचे भी। सिलीन, तुम कुछ ना बोलो तो अच्छा है। दमीर बाखूबी मेरी बात समझ गए हैं। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि कोई मुझे समझने वाला मिला। आपको जैसा ठीक लगे आप बिल्कुल वैसा ही कीजिएगा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है दमीर साहब। ठीक है, तो फिर हम अपनी अगली मीटिंग ड्राइंग के लिए रखेंगे, ठीक है सलीन? अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, फिर मुलाकात होगी। ये सब जो किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसमें क्या गलत किया मैंने? कंपनी के फायदे और अपनी खुशी के लिए तुम किसी की राय नहीं बदल सकते हो, बोलो। मैंने उससे कोई गलत बात तो नहीं की ना? इसका क्या मतलब? सिलीन, तुम्हारा काम हो गया ना, चलो अब जा सकती हो।